अच्छा जी, फिर हैं दिए हुए अशार का मफहूम बयान कीजिए। ज़मीन का हर एक ज़रा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। चितर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। ये गनी दहलवी साहब की अशार हैं। इनके मफहूम बयान करना है, तशरीह करनी है, तो इनकी तशरीह ये होगी कि इन अशार में शायद अल्लाह ताला की तमाम जो नेमतें उन्होंने दी हैं उसका जिक्र कर रहा है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है। अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा फरमाया है, जिसकी वजह से दुनिया में हर तरफ रोशनी फैल जाती है। अल्लाह के हुक्म से दिन निकलता है, अल्लाह ताला के हुक्म से रात होती है। दुनिया का हर काम अल्लाह ताला की मदद से होता है। तो सूरज का निकलना, दिन का रात में तब्दील होना, सुबह रात का दिन में तब्दील होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और ये एक ख़ास नेमत है। सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज की वजह से ही ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है। काम करने के लिए अल्लाह ताला ने दिन बनाया, और उसकी अलामत यह है कि सूरज निकलता है। सूरज की हरारत से, सूरज की रोशनी से, सूरज की तपिश से ज़मीन पे फसलें उगती हैं। सूरज ना निकले तो ज़मीन के ऊपर उगी भी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला की ये सारी जो हैं वो नेमतें हैं, इनका हमें बहुत जिनका हम लुत्फ़ उठा रहे हैं। हमारी तमाम हमें तमाम नेमतों का के लिए अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए।